हेलो दोस्तों, आगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एमएस पेंट के एक नए मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं अपना पेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर पेंट में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक स्नैक ड्रॉ किया हुआ है। तो आप भी इस तरह का स्नैक ड्रॉ कर सकते हो अपने एमएस पेंट के अंदर। तो कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे करेंगे हम इस मैजिक ट्रिक को। तो यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, मैं आपको वापस से बैक जाता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर एक इमेज ही ड्रॉ करता हूँ। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर न्यू पेज ले लेता हूँ, और यहाँ पर आपके सामने मैं एक यहाँ पर इमोजी ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसकी आँख बनाऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम आँख बनाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी कर रहा हूँ। तो आप अपने से खुद से कर लीजिएगा दोस्तों अपने पेंट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी नाक बनाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसकी नाक बना देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इसकी होंठ बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं इसको होंठ को भी ड्रॉ कर दूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ दोस्तों ऐसा, तो आप भी अपने से खुद से बनाकर देख लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम इसमें कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम बाल्टी को लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम यहाँ पर कलर को हम फिल कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर भी हम कलर फिल कर देंगे। अब उसके बाद में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सिलेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों अनटिक होगा, तो यहाँ पर आपको ऐसा अनटिक मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखना है दोस्तों, और आपको इसको उठाकर कहीं पर भी रख देना है दोस्तों, कहीं चारों ओर घुमाइए दोस्तों, ये आपका बनने लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद भी दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाए रखें, उसके बाद में यहाँ पर इसको ड्रॉ करते जाइए। तो यहाँ पर आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे वापस से ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों इसको आप कस्टम शेप की तरह भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप ब्रश की तरह भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो दोस्तों इस तरह आप अपने एमएस पेंट में स्नैक बना सकते हो, और आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल भी हो सकता है दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।